तो यहाँ भी सब बना हुआ है। हरिदे पीछे जाओ गिर जाओगे, वो देख। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो सभी को सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि। तो मैंने रखे हैं 9 दिन के सारे व्रत, आज से शुरू हो गया हमारा पहला व्रत। और आज हम जाने वाले हैं हृदय के लिए, जो हम लोगों ने रिजोर्ट बुक करना है वो देखने कि कैसे कैसे होगा वहाँ पे, सारी चीजें कैसे कैसे होगी। तो बस अभी चलते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो गाइस बस माता रानी का आशीर्वाद लेके निकलते हैं, और जोत भी अभी जो है जगने वाली है। बस मम्मी जी ने जोत जगा दी थी सुबह उठते ही, मैं थोड़ा सा लेट उठा, लेकिन अब नहा धोके रेडी हो गया हूँ मैं भी। मम्मी क्या बनाया फिर? आलू बनाया। तो भाई व्रत के लिए बने ये वाले आलू और थोड़ी सी दही के साथ अभी ये खा लेंगे, और फिर चले फिर निकले। हाँ चलो, और क्या खा लो पहले। हाँ खा के निकलते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग फार्म हाउस देखने, जहाँ पे हृदय का बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोगों को करना है, क्योंकि हमें ना थोड़ा सा स्पेशियस जगह चाहिए, थोड़ी बड़ी जगह चाहिए जहाँ पे बच्चों की गेम्स करा सके और भी मस्त मस्त चीजें कर सके। तो बस अभी जा रहे हैं फार्म हाउस देखने, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ, जो पसंद आएगा फिर फाइनल कर देंगे। गाइस इसकी शरारतें देख लो, ये देख लो शरारतें इसकी, लाइटें जला रहा है। कुछ ना कुछ करता रहेगा, गाड़ी में टिक के नहीं खड़ा होता, घर पे भी मैं पूरा दिन खड़ा रहता है, बैठता तो है ही नहीं एक मिनट भी। जब भी आए हम लोग फार्म देखने, लेकिन भाई ये तो पता नहीं कौन से गांव घूम में आ गए यार, बिल्कुल ही गांव है प्रॉपर। अभी आए यहाँ पर, ये वाला फार्म हाउस है जो भी देखने आए, ये देख सकते हो सामने वाली बिल्डिंग है, और ये पूरा लोन एरिया है जहाँ पे मतलब खाने वाने का सब कैटरिंग वगैरह का काम हो जाएगा यहाँ पे। गाइस ये है यहाँ की एंट्रेंस, बेडरूम बने हुए हैं तो ये दिखा देता हूँ, अभी पहला बेडरूम ये रहा। यहाँ लगे हैं कुछ सोफे जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं बैठ के, डाइनिंग टेबल भी है, बाकी शायद ऊपर का एरिया है। तो यहाँ पे किचन भी है, सामान भी रखा हुआ है सारा, फ्रिज व्रिज रखा है यहाँ पे, ओवन रखा है यहाँ पे, आरओ लगा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे 6 बेडरूम है, मतलब अगर गेस्ट आते हैं ना तो वहाँ रुक भी सकते हैं, रहने वाली तो कोई दिक्कत है नहीं, 6 बेडरूम बहुत हो जाते हैं, इनफ हो जाते हैं, तो ये चीज तो बेस्ट है यहाँ पे। और गाइस अभी हृदय के लिए यहाँ पे एक मस्त स्विमिंग पूल, तो भी हृदय को लेके जाते हैं वहां खेलेगा ये। स्विमिंग पूल चले हृदय, पूल में नहीं नहीं करोगे? गाइस अभी जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर से देखते हैं कैसा दिखता है भाई, व्यू कैसा है। ऊपर छत भी होगी बैठने के लिए ना, छत पे बैठोगे भाई। सबसे बड़ी चीज पता क्या है यहाँ पे? स्पेस बहुत ज्यादा है, फुल स्पेस है भाई, कितना मर्जी मतलब कितने मर्जी लोग आ जाए, 100 लोग भी आ जाए तो भी आराम से हो जाएंगे एडजस्ट। ऊपर भी देखो कितना स्पेस है, ये देखो यहाँ कितना स्पेस है, ये देखो सारी चेयर लगी है, सब कुछ लगा है, क्योंकि एक बार ना हृदय का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था तो काफी कंजेस्टेड हो गया था, सांस भी नहीं आ रही थी उस टाइम, हाँसी में किया था जब, तो भाई सांस भी नहीं आ पा रही थी। तो इस बार हमने फुल ओपन एरिया देखा है, बढ़िया है ये जगह भी, और यहाँ पे ऊपर भी बैठ सकते हैं और बाहर भी बैठ सकते हैं। देखो ये सारा बाहर का एरिया है, चेयर वेयर लगा के जिसको बैठना हो बैठ सकता है, मस्त पंखे वंखे लगेंगे, और सामने देखो स्विमिंग पूल भी है वहाँ पे, और काफी बड़ा स्विमिंग पूल है वहां पे, हृदय नहा सकता है, बच्चे नहा सकते हैं। और गाइस इस एरिया में ना हम लोग सारी एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों की, जो मैंने प्लान किया हृदय के लिए, बाकी एक दो और देख लेंगे, जो समझ आएगा फिर देख लेंगे, जो भी फाइनल होता है। ऊपर ज्यादा बढ़िया है, ऊपर मस्त लगे आपको, तो आप ऊपर रुक जाना, हम नीचे बैठ जाएंगे 2 घंटे के लिए आना। और मैं उठा के ले चलूं? क्या बोल रहे हो आप मेरे को? तंग मत करूं आपको, आओ मैं उठा के ले चलूं। गाइस यहाँ पर देखो ये है यहाँ पर स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए बड़ों के लिए, तो भाई यहाँ पे नहा भी सकते हैं बच्चे, खेल भी सकते हैं, तो सारी चीज यहाँ भी कर सकते हैं, साइडों में बैठ के खा भी सकते हैं, तो यहाँ भी सब बना हुआ है। हृदय पीछे जाओ गिर जाओगे, वो देख, ये देखो पानी की बोतल फेंक दी इसने, देखो उसके अंदर। हृदय यार बहुत शरारती हो आप यार, क्यों फेंकी है? सॉरी बोलो। गाइस अभी तो मैं यहाँ मस्त बैठा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ यहीं बैठ के एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि मस्त हवा चल रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमारा घर है 1.5 घंटा दूर, और मैं यही सोच रहा हूँ अगर मैं 1.5 घंटा लगा के घर जाऊंगा तो व्लॉग लेट हो जाएगा आज, तो सो रहा हूँ यहीं बैठ के व्लॉग एडिट कर लूँ। लेकिन यार वाईफाई पता नहीं यहाँ पे है या नहीं, पूछना पड़ेगा, वाईफाई के बिना अपलोड नहीं कर पाऊंगा। पूल में कौन नहाएगा? पूल में नहाओगे? अभी पानी फेंक के पापा बोतल वहाँ पे पूल में, कह रहा मैं लेने जा रहा हूँ, हाँ अभी अभी डूब जाता वहाँ पे, अभी कूद जाता। तो गाइस अभी फार्म देख के निकल चुके हैं, लेकिन भाई लग रही है अभी बहुत तेज भूख, क्योंकि हम लोगों ने फास्ट रखा हुआ है, तो यार कुछ खाने का देखते हैं, अगर रास्ते से मिलता है तो, मतलब नवरात्रे वाले ही कुछ मिल जाए खाने का। और गाइस इतनी गर्मी आ चुकी है ना भाई, बिल्कुल बुरा हाल हो रखा है, देखो ठंडी नहीं हो रही, गाड़ी ठंडी नहीं हो रही भाई, अभी से ठंडी नहीं हो रही, सोचो जून जुलाई में क्या होगा इसका हाल। और ये ब्लैक गाड़ी है ना, कुछ ये रीजन भी है, काली गाड़ी की वजह से भाई ज्यादा गर्म हो जाती है। गाइस हम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए भाई, पहाड़ों में दिल्ली में देख रहे थे भाई हम फार्म हाउस, पर ये देखो पता नहीं कहाँ ही पहुंच गए, कौन से पहाड़ शुरू हो गए यार, पता नहीं कहाँ बहुत दूर आ गए यार, बहुत दूर आ गए, ये देखो देखो ये रे पहाड़ पहाड़ पहाड़, ये देखो पूरे पहाड़ है भाई यहाँ पे, पता नहीं कहाँ ही आ गए यार हम फार्म हाउस ढूंढते ढूंढते। तो गाइस अभी बज गया 3:30, और सुबह से मैंने बस थोड़े से आलू खा रखे हैं, तो अभी रास्ते में रुक के कुछ खा रहे हैं भाई। यहाँ पे नवरात्रे वाली थाली भी है, नवरात्रे स्पेशल थाली यहाँ पे, अभी नवरात्रि स्पेशल मेन्यू, तो यार हम लोग इसलिए यहाँ से खा रहे हैं, क्योंकि अभी मम्मी जी आए हैं इतनी दूर से थक के, तो ना कुछ बना होगा मम्मी, टाइम लग जाएगा बहुत, और हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी है भाई, बहुत तेज
रात को बना देना आप। तो अभी यहाँ से हमने ऑर्डर करी है भाई ये वाली आलू सब्जी थाली जो कि है नवरात्र स्पेशल। ये देखो क्या लिया आपके लिए, देखो क्या लिया, गुलाब जामुन। बैठ के खाओ, बैठ के, यानी यानी बैठ के इधर आओ। गैस रीते की नौटंकी देख लो, पापा जी इसको खिला रहे गुलाब जामुन। और ये देखना चम्मच ही नहीं छोड़ता है, देखना जब भी खाता है ना चम्मच छोड़ेगा नहीं। ये देखना आप, ये देखना कह रहा मैंने आप पे खाना। ये देखो देखो छोड़ नहीं रहा, छोड़ दो इधर छोड़ दो। ये देखो देखो जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है। ये देखो तो अभी हम लोगों ने तो लिया यहाँ पर लस्सी और अभी आ रहा हमारा खाना। थाली में हम लोगों को मिला ये चार पूड़ियाँ, चार ये चार डकरे सैलेड के, और ये मिली है सब्जी यहाँ पर। तो ये देखो भाई सब्जी बढ़िया लग रही है मुझे खाने में, तो आलू की सब्जी है बढ़िया है, खा के देखो मम्मा। तो ये पापा जी मम्मी जी के आ चुके हैं दही बल्ले, इधर खाओगे दही बल्ला खाओगे, अभी खिलाते हैं रुको। तो गाइस अभी खाना खा लिया है, लेकिन यार खाना खा के ना मजा नहीं आया, मतलब पेट तो भर गया, लेकिन यार जो मम्मी जी बनाते हैं ना आलू जीरा सामक मतलब फ्लैल जो होती है वो बहुत मस्त होता है यार। तो मम्मी जी से वही बनवाएंगे, बाहर का ऐसे होता है भाई, पेट भर गया बस, हाँ वही चीज हो गई। और गाइस हृदय को देखो अभी घर आते इसने क्या किया, पूरे घर के अंदर ये देखो गंद गंद मचा दिया, देखो ये खा रहा था ये, और ये देखो पूरे घर के अंदर इसे मरूंडे 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 फैला दिए, देखो मुंह पे भी लाए खड़ा है। क्या करा ये आपने, लड्डू खाया था, सारा गिराया क्यों है पापा जी हा? सब कह रहे हैं मीटअप कैंसिल कर दो, देख लो भाई। कह रहे हैं हरिदेव परेशान हो जाएगा, सब यही कह रहे हैं, मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए हैं, सब कह रहे हैं कि मीटअप मत रखो, घर के अंदर आप लोग सत्संग कराओ बस, देख लो है ना, मीटअप कराएंगे इतने लोग आएंगे हरिदेव तो परेशान हो जाएगा। वैसे ये बात तो सही है, क्या कह रहे हो, गर्मी भी है बहुत, बच्चा है छोटा भी है ना, और तो कैंसिल कर दे और क्या, ना मैं तो खुद ही नहीं कहती, बाकी देख लो भाई मैं तो नहीं कहती। हाँ, सत्संग पे जो आ सकता है, हाँ सत्संग पे सब आ सकते हैं भाई, सबको सबका वेलकम है। तो गाइस अभी मीटअप ना कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ना यार सब सही कह रहे हैं कि भाई बच्चा भी छोटा है, रिदा भी छोटा है, और गर्मी बहुत ज्यादा है। जैसे अभी हम लोग गए थे ना फार्म हाउस तक गए भाई, बहुत बुरा हाल था, तो लोग कैसे आएंगे, इतनी गर्मी है यार, किसी को चक्कर वक्कर आ जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए अभी मीटअप तो नहीं रख रहे हैं। हाँ जो लोग सत्संग पे आना चाहे वो आ सकते हैं, 13 तारीख का सत्संग है, 4 बजे से 6 बजे तक शाम को, तो वो लोग आ सकते हैं। तो भाई यहाँ देखो नवरात्रों का सामान आ चुका है, पापा जी लेके आए बहुत सारे लड्डू खाने के लिए और लेके आए चिप्स। तो भाई वैसे सही बताओ इतना सब खाना नहीं चाहिए, एक टाइम खाना खाओ, व्रत रखने का असली मतलब तब होता है ना मम्मी, ये तो है ही। लोग पूरा पूरा दिन खाते रहते हैं भाई, पूरा दिन कभी चिप्स कभी कुछ कभी कुछ। हमारे वहां पे भी एक आंटी होती थी हासी में, तो वो भी पूरा दिन यही होता था उनका भाई, कि भाई पूरा दिन चिप्स खा रहे हैं फ्रूट्स खा रहे हैं, उनका तो ऐसा होता था कि भाई व्रत नहीं चल रहे, लॉटरी लग गया भाई सब खाओ, मतलब फ्रूट्स खाओ ड्राई फ्रूट खाओ पूरा दिन खाते रहो, तो ऐसा नहीं होता यार। माता रानी का व्रत रख रहे हो ना, मैं पहले हर साल रखता था, लेकिन अभी मैंने 3-4 साल से नहीं रखे थे, और मैं 3-4 साल बाद रख रहा हूँ, तो भाई दिल से रखूंगा, ऐसा नहीं कि पूरा दिन खाते रहो, और पूजन भी करेंगे कन्या भी बिठाएंगे। तो गाइस फिलहाल अभी मीटअप हो गया कैंसिल, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी आके बीमार हो, किसी को कोई दिक्कत हो, तो बस इसलिए मीटअप कैंसिल। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से।